अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो इस वीडियो को आपने अभी देखा ही होगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक घर के अंदर एक जो नौकरानी है, मतलब घर में काम करने वाली जो महिला नागरिक है, उसको यहाँ पर भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें पहले बातचीत हुई होगी, उसके बाद में अभी इस आदमी ने आया और उसके बाद में कुछ बताया, बताने के बाद में गाड़ी लेकर आया और दोनों बैठकर गाड़ी से आगे भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि घर के बाहर एक निगरानी कैमरा था, उसकी वजह से अभी कैमरे में कैद हो चुके हैं दोनों लोग, गाड़ी के नंबर भी कैद हो चुके हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हो, किसी भी घरेलू कारगर की तस्करी करते हो, इधर उसे उधर लेकर जाते हो, तो ऐसे में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हमने पहले ही अपडेट किया था कि 15 साल की जेल और 10 लाख रियाल का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तस्करी करने वाला एक कर्मचारी जो इसके बारे में जानकारी दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास ना रखें, ना ही कोई भी ऐसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि सऊदी अरब में यह कानून का उल्लंघन है। और हम आपको बता दें कि अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है, कपिल मारता पीटता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें या इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये आर्मेनिया से है और यहाँ पर आपात स्थित मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है कि आतिशबाजी की दुकान में आग लगने से 5 की मौत हो चुकी है। मतलब जो गोला पटाखा बनता है उसकी दुकान में अभी आग लगी हुई थी और उसके बाद में जो स्थान है वहाँ पर 200 बरामद किए गए हैं, जिसके बाद में रविवार को भी मरने वाले की संख्या टोटल 5 हो चुकी है। यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आग लगी है। आप देख ही सकते हो दर्जनों लोग घायल हुए हैं।